भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित क्षमा वाणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैन कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की। इस घोषणा से जैन समाज तो खुश हुआ ही, साथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सीएम के इस फैसले की सराहना की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जैसे सीएम मोहन यादव ने जैन बोर्ड गठन करने की बात कही है, उसी तरह भारत में सनातन हिंदू बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि मंदिरों में पूजा पाठ के उपयोग वाली वस्तुओं की नियमित रूप से जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि अगर धर्म विरोधी नास्तिक मंदिरों की देखभाल करेंगे तो वह धर्म भ्रष्ट ही करते रहेंगे। अभी हमको सूचना मिली कि हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री जी ने जैन बोर्ड की चर्चा की। हम भारत सरकार से चाहेंगे जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है, और मंदिरों को उनके आधीन करके संयंत्र रचने वाले प्रपंच रचने वाले सभी ताकतों पर तत्क्षण रोक लगाकर हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। मई कक्षा 3 की एनसीईआरटी की किताब के विवाद पर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि लव जिहाद का यह एक नया एंगल है। क्या हमारे बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़कों को चिट्ठी लिखे? उन्होंने एनसीईआरटी की बुक की चिट्ठी को भी पढ़कर बताया कि किस तरह लव जिहाद किया जा रहा है। कक्षा 3 की पुस्तक में एक पाठ्यक्रम जोड़ा गया मेरी चिट्ठी के नाम से, चिट्ठी आई है के नाम से कोई पाठ्यक्रम जोड़ा गया जिसमें चिट्ठी का फोटो लगाया। अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी बहुत याद आती है, आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम तुम्हारी रीना। इस प्रकार की चिट्ठी अहमद के नाम से रीना के नाम रीना के द्वारा एक चिट्ठी का पाठ्यक्रम जोड़ा है। चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना भी था तो अहमद की जगह अमर भी क्या हो सकता था, अहमद ही क्यों रखा गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।